दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के ठाठ बाट और रईसी के बाद पेशे खिदमत है उनकी मितई बेटा की महान गाथा, जिसे आपके सामने लेकर आए हैं बिहार भाजपा के प्रवक्ता श्री श्री 1008 अरविंद सिंह जी। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की अप्रमाणित महानता का यशगान करते बिहार भाजपा के प्रवक्ता अरविंद सिंह का द आर्टिस्ट के साथ बातचीत का ये अंश सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है और लोग प्रधानमंत्री से जुड़ी इस गुप्त जानकारी को साझा करके जमकर चटकारे लेते दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री विदेश में जब जाते हैं तो किसी होटल में नहीं ठहरते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कहाँ ठहरते हैं? एयरपोर्ट पर नहा लेते हैं, एयरपोर्ट के लॉन्ज में जाकर के नहा के 2 घंटा बिता लेते हैं। प्रधानमंत्री सरकार का इसे बचत करते हैं। वायरल वीडियो में नेताजी दावा कर रहे हैं कि मोदी जी जब विदेश यात्रा पर जाते हैं तो किसी होटल पर नहीं रुकते बल्कि वो एयरपोर्ट पर ही नहा लेते हैं, ऐसा करके वो देश के पैसे की महान बचत करते हैं। लेकिन शायद दोस्तों नेताजी ये बताना भूल गए कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी लाखों के सूट बूट घड़ी पेन चश्मा इस्तेमाल करते हैं, जो कि प्रधानमंत्री के एयरपोर्ट पर नहाने से होने वाली बचत से लाखों गुना ज्यादा है। लेकिन नेताजी को कौन समझाए कि प्रधानमंत्री हमारे शौकीन मिजाज के हैं। दोस्तों अब नेताजी के इस बयान पर लोग उन्हें अंधभक्त तक बता रहे हैं। लोग प्रवक्ता अरविंद सिंह के इस बयान को चाटुकारिता और मोदी जी की चरण वंदना बताकर उनका मजाक बना रहे हैं। आसान भाषा में कहें तो प्रवक्ता महोदय ने प्रधानमंत्री के एयरपोर्ट पर नहाने और ठहरने का दावा करके खुद की अच्छी खासी फजीहत करवा ली है। लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि क्या भारत इतना गरीब देश हो गया है कि हमारे प्रधानमंत्री को एयरपोर्ट पर नहाना पड़ता है। दोस्तों प्रवक्ता महोदय के इस बयान पर लोग उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर लिखते हैं, हे भगवान, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो 8400 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में लेकिन होटल का पैसा बचाने के लिए लाउंज में 2 घंटे बिता लेता है? क्या यही असली पप्पू है? महंगाई का जमाना है, बचत करनी पड़ती है। निगर परवीन नाम की यूजर लिखती हैं, प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो एयरपोर्ट पर नहा लेते हैं, कपड़े बदल लेते हैं, बिहार बीजेपी नेता सच में। अरे जाहिल गंवार, इतनी भी चापलूसी ठीक नहीं है। तुम सबने तो जैसे चापलूसी की सारी सीमा ही तोड़ दी है। चापलूसी कर करके तुम लोगों ने जैसे और इस देश के लोगों को, तुम जैसे लोगों को महज थोड़ी सी महत्वाकांक्षा के लिए भी किसी को अपना बाप बना ले रहे हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारत में वाकई ऐसा आर्थिक संकट है कि प्रधानमंत्री को होटल के बजाय एयरपोर्ट पर रुकना पड़ता है? क्या प्रवक्ता महोदय का यह दावा सही है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि देश और दुनिया की सारी खबर आप तक पहुंचाई जा सके।